हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो डिलीवरी ड्यू डेट के 1 मंथ पहले से ही ध्यान रखना है या फिर 15-20 दिन पहले से ध्यान रखनी ही है, क्योंकि ऐसी वो बातें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं अगर आप केवल और केवल नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना चाहती हैं। आप चाहती हैं ना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ऐसी सावधानियाँ जो आपको ज़रूर बरतनी ही हैं, और मिस्टेक्स अगर हो रही हैं तो उसको सुधार लेना है समय रहते हुए, नहीं तो फिर बाद में डॉक्टर्स अचानक से आपको बोलेंगे कि सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। सबसे पहली और मेन बात यह है कि जब आपकी डिलीवरी होती है तो उसके पहले आप जितनी बार डॉक्टर के पास जाती हैं, आपका वेट चेक किया जाता है। वेट चेक करने का कनेक्शन ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी से होता है। सामान्य रूप से 6 से 12 किलो तक वजन आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपका बढ़ना चाहिए, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएंगी तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कतें आती हैं, नहीं हो पाती हैं, कई बार सिजेरियन करना पड़ता है। अगर आपका वजन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है, इट मीन्स कि बच्चा भी कमज़ोर है, तो ये दोनों ही कंडीशंस नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो यदि आपका वजन कम है तो उसको अच्छी डाइट लेकर आप बढ़ा सकती हैं, थोड़े नट्स वगैरह खा सकती हैं, प्रॉपर खाना ठीक से खाएं, घर का टाइम पे खाएं। और अगर आपका वेट बहुत पुट ऑन हो रहा है तो थोड़ी सी एक्टिविटी करें, हल्की फुल्की मॉडरेटेड एक्सरसाइजेस करें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो तली हुई चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के दौरान ना खाएं। बहुत फैट वाला कोई भी चीज़, बाहर का बना हुआ खाना हो गया या फिर घर में ही, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फैट बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं, जैसे काजू, आपको बनाना, ये सारी चीज़ों में फैट बहुत होता है, चावल का सेवन, ये सब थोड़ा कम कर दीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, तो आपका वेट भी सही रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी में भी ईजी हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कंडीशन होता है कि बच्चे का वज़न गर्भ में सही बढ़ना चाहिए। अगर बच्चा बहुत वीक रहेगा, उसका वज़न ठीक से नहीं बढ़ेगा जिस हफ्ते में जितना वज़न चाहिए पैरामीटर के अकॉर्डिंग, तो फिर बच्चा कमज़ोर रह जाता है और ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को भी समय पे हेड डाउन करना होता है, बच्चे को भी अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, और बाहर आने के लिए बच्चा भी हेल्प करता है, तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है, वरना नहीं होती है। इसलिए बच्चे का संपूर्ण विकास गर्भ के अंदर बहुत ज़रूरी है और उसका वजन भी सही रूप से ज़रूर बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों, तीसरी परेशानी की बात करेंगे, इस पे हीमोग्लोबिन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी में ही ओनली फीमेल्स की जो बॉडी की हीमोग्लोबिन की परसेंटेज होती है वो डाउन होने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा ब्लड से ही बनता है और उस समय आपके शरीर के अंदर ब्लड की पूर्ति अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप वैसे फूड जो जिसमें आयरन काफ़ी अच्छा होता है, जो ब्लड हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, वैसी चीज़ें नहीं खा रही हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, प्री मैच्योर डिलीवरी की भी आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं और साथ ही साथ रिच आयरन फूड्स खाने की हिदायत दी जाती है। वैसे सभी फल फ्रूट्स खाइए जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि बनाना, रॉ बनाना जो होता है, कच्चा केला। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप पोमग्रेनेट ले सकती हैं, यानी अनार ले सकती हैं, चुकंदर का सेवन कर सकती हैं। अगर बहुत जल्दी से हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ाना है तो फिर आप जो है जूस का सेवन करिए चुकंदर के, इससे बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। आप किशमिश खा सकती हैं, इससे हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। जो भी सब्जी बनाए वो लोहे की कढ़ाई में बनाए, जिसकी वजह से आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही ठीक कर सकती हैं ड्यू डेट के पहले, और अपने हीमोग्लोबिन परसेंटेज को ठीक कर सकती हैं, जिससे कि बहुत तेज़ी से आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ेगी और नॉर्मल डिलीवरी की भी चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जितने भी साग सब्जी होते हैं जो हरे पत्तेदार होते हैं, उन सब में आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है, फॉलिक एसिड भी बहुत अच्छा होता है, तो प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से खाना चालू करिए। विंटर्स में काफ़ी ईजिली आपको मिल भी जाते हैं।
इसके अलावा टिप ये है फ्रेंड्स कि आपको हमेशा अपने बच्चे के मूवमेंट पे ध्यान रखना है। बहुत बार बच्चा नॉर्मली जो हेड डाउन पोजीशन है उसमें नहीं आ पाता है, तो समय रहते हुए अगर आप अच्छे से मूवमेंट करेंगे, अच्छे से आप टहलना स्टार्ट करेंगे तो बच्चे को हेड डाउन करने में मदद मिलती है। इसलिए नौवें महीने में जितना हो सके उतनी ज़्यादा आपको जो है अच्छे से वॉकिंग करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अगर किसी भी अलग पोजीशन में है तो वो नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आने में उसको हेल्प मिल जाए। तो इसलिए बच्चे के मूवमेंट, बच्चे की पोजीशंस आपको स्कैन के द्वारा पता लग जाता है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिए और अच्छे से आप टहलना चालू करिए। बच्चे का सही पोजीशन आना नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपकी बीपी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हाई बीपी वाले मरीजों को हमेशा जो है सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि हाई बीपी होने की वजह से ब्लड जो है वो ज़्यादा निकलने के चांसेस होते हैं। इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, सिजेरियन सेक्शन पे मूव करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स आपकी बीपी भी सही होनी चाहिए, इसलिए आपको टेंशन नौवें महीने में नहीं लेना चाहिए। टेंशन की वजह से आपकी ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट होती है और जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, आपके नॉर्मल डिलीवरी में भी बाधाएँ पैदा कर सकती है। इसीलिए इन तमाम चीज़ों को काफ़ी बारीकियों से समझें, डॉक्टर से डिस्कस करें, अच्छा लाइफ स्टाइल रखें ताकि नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिल सके और अपने आप को प्रिपेयर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्दी तरीके से आप कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो काफ़ी हेल्पफुल थी आपके लिए। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेरी है आपकी, आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।